Good morning, students. Welcome back to digital platform of online study Adda. Online study का अलावा आपके digital platform पे आप सभी का स्वागत है. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को last class समझ में आया होगा. आज हम देखेंगे कैसे simple programs लिखे जाते हैं. कल हमने आपको input और output लेने के लिए दो function पढ़ाए थे, scanner और स्कैनर इनपुट लेने के लिए, फॉर्मेटेड इनपुट के लिए और प्रिंटर फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए. इतना सबको क्लियर है? चलिए आज हम सिंपल प्रोग्राम्स लिखने की कोशिश करते हैं. हमारा प्रश्न है राइट अ प्रोग्राम to accept length and width of rectangle and find the area of rectangle. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ इनपुट कराना है. क्या इनपुट कराना है? लेंथ और विड्थ. और हमें कैलकुलेट करना है उसका एरिया. किसी भी आयताकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वेरी गुड. लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना? तो हमने जैसा कि पहले बताया था, प्रोग्राम लिखते वक्त आपको तीन स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. तो यहां इनपुट आपको डिसाइड कर लिया क्या क्या चाहिए, लेंथ और वेट. प्रोसेसिंग क्या करना है? दोनों को गुणा करना है. और आउटपुट क्या करना है? जो गुणनफल आया वो. क्लियर? तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए. अब चलिए पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं बोर्ड पे, फिर यहां पे लिख के देखते हैं. हमारा प्रोग्राम क्या है? Hash include stdio.h. चूंकि हम लोग प्रिंटर स्कैनर यूज करने वाले हैं तो इसको इंक्लूड करना आवश्यक है. साथ ही साथ हम getch और clrcr यूज करने वाले हैं तो उसके लिए conio.h को इंक्लूड करना आवश्यक है, ठीक है ना? अच्छा, और हमारे प्रोग्राम में पहला फंक्शन कौन सा? मेन. और मेन फंक्शन के अंदर हमें इनपुट लेना है लेंथ, इनपुट लेना है विड्थ और कैलकुलेट करना है एरिया. तो तीन वेरिएबल चाहिए, एक इनपुट करने के लिए लेंथ और विड्थ और आउटपुट करने के लिए एरिया. तो हमने तीनों को निकाला किस टाइप का? इंटीजर टाइप का. लेंथ के लिए एल ले लिया, विड्थ के लिए डब्ल्यू ले लिया, एरिया के लिए ए ले लिया. कोई दिक्कत नहीं. अब पहला काम तो ये करें, इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए स्कैन. पहले तो सेलर शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन साफ हो जाएगा. फिर हमने लिखा स्कैन एफ. लेंथ के लिए परसेंट डी इंटीजर, विड्थ के लिए परसेंट डी इंटीजर और पहला वाला लेंगे एल में लेंथ और दूसरा वाला लेंगे डब्ल्यू में विड्थ. इनपुट वाला काम हो गया. अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है, प्रोसेसिंग वाला पार्ट. तो ए बराबर क्या लिखे? लेंथ गुणे हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर ये है. हो गया. अब प्रिंट करना है एरिया तो हमने प्रिंट करने के कौन सा फंक्शन है? वेरी गुड, प्रिंटर. आसान है ना? एरिया इज परसेंट टी और यहां पे किसकी वैल्यू होनी चाहिए? तो कॉमा लगाते हैं,
और गेट सी एच रुकने के लिए है ना बताया था yes. और ये हमारा प्रोग्राम समाप्त हो गया क्लियर प्रोग्राम लिखना समझ में आ गया अब चलो इसको हम लोग अपने एडिटर पे कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं राइट इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए शॉर्टकट क्या था ऑल्ट एफ थ्री ऑल्ट के साथ बंद हो गया मेन एडिटर स्क्रीन खाली हो गया अब नया बनाना है तो ऑल्ट एफ और न्यू हाँ पढ़ा होगा सेव है मेमोरी में पढ़ा होगा हार्ड डिस्क में पढ़ा होगा खुल गया नया फाइल अब इसमें हम अपना ये वाला प्रोग्राम लिख डालते हैं चलिए लिखा जाए इस प्रोग्राम को हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड polio.h void main यहां पर हमें डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स int l कॉमा w कॉमा a क्लियर अब clr str स्क्रीन साफ फिर scanf %d ampersand l इनपुट में ampersand लगता है ना ampersand w सारे छूट हो गए अब कैलकुलेट करिए a बराबर l गुणे w हो गया फिर अब इसको प्रिंट करें प्रिंट f एरिया is %d और यहां पे a की वैल्यू हो गया क्लियर ये स्टेप समझ में आ गया अब सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है ये वाला F2 है पूछ रहा है किस नाम से सेव करें हमने एरिया के नाम से सेव किया एरिया डॉट सही है ना अब क्या करें बोलो भाई अब इसको रन करना है कंपाइल करके रन करना है तो एक साथ कंट्रोल अपने कर देते हैं कोई एरर नहीं था इसलिए कंपाइल हो गया रन भी हो गया अब यहाँ पे नंबर मांग रहा है लेंथ और विड्थ सपोज जो आयत है उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है सपोज 4 सेंटीमीटर 10 स्पेस 4 एंटर करें एरिया इज 40 सही दिखा रहा है सही दिखा रहा है समझ में आया अब कोई भी बटन दबा देंगे वापस आ जाएगा समझ में आया कि नहीं अब कर लेंगे या अभी भी किसी को कोई दिक्कत है आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने बिल्कुल सही करके दिखाया क्वेश्चन था हमारा इनपुट फाइव नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम तो अभिजीत आप बोर्ड पे आइए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में किया क्या और क्यों किया गया इसको मिटाइए और इसको सॉल्व कर लेते अभिजीत ने बिल्कुल सही किया है इसलिए मैंने उनको बोर्ड पे लिखने का चांस दिया है आप लोग भी सही करिए बोर्ड पे आकर के लिखिए वीडियो में आप भी फेमस हो जाएंगे
वी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, इस बात का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि सी केस सेंसिटिव है। आपस में बातचीत नहीं करें। अब क्या करना था? हाँ, वेरी गुड, स्कैन। हो गया। और कोई संतुष्ट? अच्छा, अब बच्चों आप लोग बताओ इन्होंने क्या क्या गलती की है, एक एक करके मौका हाथ जोड़ा, आप बताओ। अरे वहां पे जो प्रतिनिधि लिखा है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। और जो गलती है आयुष, अब सही हो गया। एक बार सबको मौका मिलेगा, आयुष को पहले मौका दिया गया है। वो तो कर लिया, इसके अलावा कोई गलती है जो उन्होंने सही किया वो देख के बताओ, अभी भी कोई गलतियां बची हुई हैं? दूसरों की गलती बड़े आसानी से दिखती है ना। अब आप लोग देखो कि और कोई गलती है इसमें,
आप बताएं नहीं सर, गलत हो जाएगा। आप बोलो जो सही कर दिया है। और कोई गलती है? ये सी अगर स्मॉल लिखा है तो गलत नहीं है, बड़ा तो गलत है ना। बाकी अब मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं। Is that clear? तो ये इनका प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है